हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हो सर? मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। जयपुर से बात कर रहे हो? जी जी अभी फोन आया था मोहम्मद अली से, आप क्या बातचीत चल रही है? मैंने ये कहा उनको कि हम आपको दवाई बता के आए। हाँ, वो दवाई डालिए जी। और उन्होंने उन्होंने एक नई वीडियो बना के भेज दी है। मैंने ये वीडियो मत भेजो, ये वीडियो वीडियो पहनना अच्छा नहीं रहता किसी के लिए भी हो। ये वीडियो क्या गलत चीज है सर? देखिए बात ऐसी है ना, मेरी बात आप सुने पहले। आप दवाई दे के आए हो, जब तक वो फसल ठीक होगी ना उसका एंड हो जाएगा। एक महीने की सीजन रह गई है, उसकी फसल तो हो गई नष्ट जी। और आपको वीडियो डालने पे दिक्कत है तो फिर जाके चेक करो ना कितने दिन तक दवाई डालेगा। जितने की दवाई डाल दी इतने की सब्जी नहीं बेची है उसमें से? नहीं, मुझे क्या देखा था, वो चार दिन तो हुए देख के आए हो। चार दिन में ये इंजेक्शन तो नहीं था, 24 घंटे में काम कर जाएगा, शरीर में मिट्टी है। भाई साहब आप 8 तारीख को गए थे, आज 16 तारीख हो गई है, 16 तारीख हो गई और 20 दिन के बाद घिया नहीं ना बिकता है न निकलता है जी। पूरा सीजन उसका ऑफ हो गया और आपको वीडियो पे इतराज है। आपको अगर वीडियो पे इतराज होता तो पहले ही कार्रवाई करते, आप तो बच्चों को धमकी देकर चले गए। आप मुझे एक चीज बताइए भैया जी। जी सुनिए, जिसे आप जिस गर्म आवाज में बात कर रहे हो ना, मैं भी कर सकता हूँ, पर सुनो मेरी बात। जी जी, जो वैरायटी आपने लगाई है जी, उसके मैं आपको 500 फील्ड दिखा दूँ जी, उसी बीज के उसी लॉट नंबर के जी, तो वो बीज खराब है क्या? भाई साहब मेरी बात सुनिए, हम इस बात को बहस नहीं करेंगे। हमारे जो खेती में लगी है, आपने पैकेटों का दरियाफत कर लिया, बाकी कल से आज तक मैं 10 जगह की और वीडियो अभी सप्लाई कर रहा हूँ, नंबर हमारी कॉन्टेक्ट चल रहा है, कहाँ कहाँ फसल खराब है सभी जगह आएंगी। और नागौर में एक मैं बड़ी मीटिंग रख रहा हूँ बीएनआर कंपनी बीज के खिलाफ। जी जी बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि फसल में आपका तो 1 किलो बीज 3,000 का होता है, 3 लाख रुपए लगते हैं 3,000 में। नहीं तो आपको फसल करना नहीं आ रहा हो तो फिर उसमें बीज की क्या गलती है? बात नहीं भाई साहब, आप एक आदमी को करना नहीं आ रहा, कल और परसों के बीच बीच में 10 जगह से वीडियो आ जाएंगी। अच्छा मुझे एक चीज आओ, मेरी बात तो सुनो जी, आपने अपनी बात कह ली, मैं कहूँ अपनी बात। बिल्कुल कहिए। वो बीज मैं आपको कोटपुतली में दिखाऊं जी, फिर वो किसान ये बढ़िया है तो मेरी बात सुनाए आप। हम बीएनआर के हमने भी लगाई है, खुद मैंने लगाई है, बढ़िया है। हाँ लेकिन आपको ये आपको पता होगा कि 2 तरह का बीज भर रहे हैं, 3 तरह का बीज भर रहे हैं, वो तो आपको पता होगा, हमें नहीं पता है। भाई साहब ऐसा इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि कंपनी 2 प्रकार का 3 प्रकार का बीज भरे। मैं तो आपको खुली बात बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने संपर्क किया है अभी 10 जगह घिया ऐसी निकल रही है, 2 से 3 दिन में 10 जगह की वीडियो आएंगी। बीएनआर के खिलाफ यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग रखने जा रहा हूँ और बिल्कुल एक्शन लेंगे साहब। अभी मैं सुनिए जी, अभी मैं 20 खेत देख के आया वहाँ पर जी, वो आपके बाद में जी, और जिन्होंने 8 नंबर ललिता इन कौन कौन सी वैरायटी लगाई, उन्होंने बताया कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पर जो है ना जी रेतीली मिट्टी है, तो स्टार्टिंग में 2-3 दवाई ऐसी आती है यहाँ पर। बोले लौकी सकता नहीं है तो हम बहुत कम लगाते हैं लौकी यहाँ पर, किसानों का ये था। कल परसों में एक लड़के की वीडियो आई है जो भर रहा है, दूसरे की भी सेम है ना? मेरे पास वीडियो नहीं आती, मैं फेसबुक नहीं चलाता। फेसबुक नहीं चलाते, कल से फेसबुक पे दूसरी घूम रही है और 3 दिन के अंदर अंदर 10 जगह से वीडियो और फेसबुक पर डाउनलोड कर रही है, क्योंकि हमारी जो फसल है ना, साल का एक धंधा है, सिर्फ एक फसल लगती है एक साल में। तो बीएनआर का बीज आप पहली बार लगा रहे हो क्या? बरसों से लगाते हो आप? बरसों से लगाते हैं, आज तक कंप्लेंट थी तो नहीं की, और आज है तो आज हम बीएनआर के खिलाफ बिल्कुल इस बीज को हम बैन करेंगे साहब। हमें आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी जहाँ तक पावर की बात कर रहे हैं, हमारी पावर की बात ऐसी है, हमारी पावर की बात ऐसी है, पूरी बिरादरी के अंदर हाथ जोड़ के गुजारिश ये होगी बीएनआर का बीज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप लोग बच्चों को धमका कर गए थे, वहाँ पे कोई समझदार नहीं था, उनको डरा के गए थे। कौन कह रहा था धमका के गए थे? बिल्कुल धमका के गए थे आपने वहाँ जाके। नहीं नहीं सुनो जी, अमर गनी भाई आपकी बिरादरी का आदमी है, दुकानदार है, वो खुद पहुंचा आपके पास। उसने उससे आपसे ज्यादा उसने डरपाया उसको कि हम जिसने वीडियो वायरल करी है उसके हाथ कार्रवाई करेंगे, फलाना करेंगे। अरे जिसके घर में आग लगती है ना। आप सुनो जी, जावेद भाई को लाइन पे ले लो, अगर वो कहते हो कि हमको धमकाया है। मैं किसी से उसने दूसरे दिन वीडियो डाल दी है ना, आपने देखी नहीं अभी क्या? मैं फेसबुक पे हूँ नहीं ना। अब देखो ऐसा है, कोई भी आदमी ड्रिंक करके कुछ भी बोले, अब हम उसका मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं भाई साहब। मैं देखो ऐसा है, किसान, मैंने आपको एक बात बता दी, किसान अपने बच्चों की चीज मन धन जितना भी होता है खेती में लगा देता है। और खेती कोई आदमी ऐसा है कि अपने जेब से लगाता है, कोई आदमी ऐसा है ब्याज पर कर्जा लेता है, कोई आदमी ऐसा है बिल्कुल पैसे नहीं है तो साझे में लगाता है।
जी और उसके बावजूद भी ये दिन अगर देखने को मिले तो गुस्सा जितने इंसानों का है जायज है, और यहाँ कल और परसों में कम से कम 300 से 400 आदमी की मीटिंग बुलाऊंगा मैं, इस बीच में कार्रवाई मैं करूंगा खुद, क्योंकि मुझे नुकसान भारी हुआ है एक जगह में, जबकि जबकि खुद के क्षेत्र में अच्छी आ रही है भैया, मेरे घर में अच्छी आ रही है, मैं खुद कह रहा हूँ अच्छी आ रही है, और फिर भी कार्रवाई करवाओगे आप? कार्रवाई इसके लिए करवाऊंगा कि ये लोगों के पास कैसे कंप्लेंट आई, आपका फर्ज बनता है इसी को ले जाते, डॉक्टरों को बुलाते, चेक कराते, आपने धमकी देकर चले गए। मैं जावेद भाई से मेरी बात करा तो मैंने पहले की धमकी दी हो तो भाई साहब तो कहा लिखा आप पहले ये बताओ, आपका ये व्हाट्सएप चल रहा है इस नंबर पे, मैं व्हाट्सएप की वीडियो भेज दूं, अगर धमकी नहीं भेजिए तो झूठ थोड़े बोल रहे बच्चे, तो लो भेज दो आप, अगर कोई बात हुई हो तो फोन पे भेजो तुम, आप हमें एक मैसेज व्हाट्सएप पे कर दो, आप इसी नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, मैं उसकी वीडियो भेज रहा हूँ। गुस्सा जो है हमारा इसी का, आप कंपनी वाले हो, कस्टमर को समझा सकते हो कि चीज ये गलत आ गई है या आपके किसी वजह से कोई फसल में नुक्स है, तो उसको हम देखेंगे समझाएंगे, समझाने का तरीका होता, आपने बच्चों को डांटा ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुझे एक चीज बता दो, आप मेरे रिकॉर्डिंग दिखाओ ना, ये मेरी अभी भी बात हुई है मेरी जावेद भाई से, मैं आपको भाईजान रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, उसकी फोटो जो वीडियो बनाकर फिर से स्लिप करी है ना उस दिन के बाद में, वो आपको भेज रहा हूँ, एक मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप, इसी नंबर मेरा व्हाट्सएप चल रहा है। अभी मेरी कॉल कटेगी जब इसको नंबर को सेव करूंगा आपके नाम से। जी मेरे नाम से सेव करो, मोहम्मद अजमेरी, पूर्वी फतेहगंज का रहने वाला हूँ, नागौर में सब्जी लगाई हुई है मेरी। हाँ तो अभी इसको सेव करूंगा।